भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने लगाया मायावती पर गंभीर आरोप। मायावती ने गठबंधन तोड़कर दलित आंदोलन कमजोर किया। परिवार आगे बढ़ाकर माया ने काशीराम के मिशन को मारे ठोकर। भीम आर्मी चीफ ने पहली बार किया मायावती का इस तरह विरोध। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने पहली बार मायावती पर दंश के लहजे में टिप्पणी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों में एक युवा नेता के रूप में भरने वाले चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने गठबंधन तोड़कर बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का काम किया है। जब से चंद्रशेखर एक दलित नेता के रूप में उभरे हैं तब से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक रावण ने कभी भी मायावती के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा वो मायावती का विरोध है। उन पर बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर ने मायावती पर काशीराम के बहुजन समाज आंदोलन को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। चंद्रशेखर ने पहले पीलीभीत और फिर अमरोहा में बसपा सुप्रीमो पर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि गठबंधन तोड़ने का मायावती का फैसला बहुजन हित में नहीं है, उनके इस फैसले से बहुजन हित को नुकसान पहुंचेगा। अब बहुजन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और भीम आर्मी जल्द ही भविष्य की रणनीति सबके साथ साझा करेगी और आगे बढ़ेगी। मायावती ने जिस तरह भाई आनंद और भतीजा आकाश को पार्टी में ऊपर की पोजीशन दी है उस पर चंद्रशेखर ने कहा कि ये भी काशीराम के सपनों पर चोट है क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ। मायावती की शैली काशीराम से अलग है। वो राजकुमार को राजा बनाने के बजाय धरातल पर रखने के पक्ष धरते और वो चाहते थे कि बहुजन समाज का अंतिम व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के रणनीति पर बोलने से मना कर दिया। बस इतना ही कहा कि इसके बारे में अभी तय करना है।